पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस भी शराब माफियों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी क्रम में लखीसराय पुलिस ने लखीसराय जमुई बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। जिले के तेतरहाट थाना पुलिस ने नोनगढ़ चेक पोस्ट पर एक बोलेरो पिकअप वैन को रोक कर तलाशी ली तो हैरान रह गए। पिकअप वैन में सब्जी में छुपा कर रखे गए 2532 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया है। इस दौरान पिकअप वैन के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि शराब झारखंड के धनबाद से समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। और लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय लखीसराय द्वारा सारे थानाध्यक्ष को निर्देश प्राप्त है कि आदेश भी दिए गए कि व्हीकल चेकिंग और जो बॉर्डरिंग जिला है उससे आने वाली गाड़ियों का भी चेकिंग लगातार होना चाहिए और इसमें एक्साइज की टीम को भी बीच बीच में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और उसी क्रम में 26/8/21 मतलब सुबह 7:30 बजे करीब एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर BR01GA2572 है उसको जब सर्च किया गया तो उसमें सब्जी के रूप में कुंदरू का बोरा पैकिंग करके लादा हुआ था और उसके आड़ में कुल रॉयसन गोल्ड विस्की 750 ml 324 बोतल 375 ml 1584 बोतल और 180 ml 624 बोतल कुल 2532 बोतल और कुल लगभग 949.320 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ और एक मोबाइल प्राप्त है। इसमें जो गाड़ी के ओनर है अजय कुमार महतो और सुबोध राम जो खलासी है दोनों पकड़ा गया। ड्राइवर बच के भाग मतलब पानी को देख के भाग निकला, वहाँ पे पानी लगा हुआ था उसी को। और इस क्रम में जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दो आदमी हैं जिनका नाम और मोबाइल हमें मिला है। माल धनबाद से लोड हुई थी और इसको मोहद्दी नगर समस्तीपुर में अनलोड करना था और हम लोग उसका भी नाम प्राथमिकी में दर्ज किए हैं और अनुसंधान के कारण उसका नाम उजागर नहीं है और पूरा रैकेट को कहां से माल आया था और कहां जाएगा इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो इसमें हो। और ये सारे बोतल पे सेल इन हरियाणा अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था उसका भी सत्यापन होता है। नहीं अभी तक तो नहीं लग रहा है विदेशी शराब है, अब इसका जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ये डुप्लीकेट है।